भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन एक भाई ने अपनी बहन की ससुराल में जाकर एक ऐसा कांड कर डाला कि बहन की ससुराल वालों को भाई बहन की करानी पड़ी शादी। दोस्तों, पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। दोस्तों, एक रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला है बिहार के भागलपुर का। यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 24 साल। तो दोस्तों, सोनिया की शादी हो जाती है पड़ोस के किसी गांव में। शादी के बाद अपनी ससुराल में चली जाती है, वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन के बाद सोनिया का भाई अपनी बहन को लेने उसकी ससुराल में पहुंच जाता है। तो सोनिया के भाई की वहां पर काफ़ी खातिरदारी होती है, भाई की सेवा की जाती है। कुछ देर बाद भाई अपनी बहन के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा दी जाती है। कुछ टाइम बाद वहां पर सोनिया का पति आ जाता है। तो सोनिया के पति को अचानक कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। सोनिया के पति को शक होता है कि कमरे से आवाज़ें किस तरह की आ रही हैं। वो खिड़की से झांक कर देखता है, तो झांकने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई देता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खिड़की धीरे धीरे खोलता है और वहां से वीडियो बनानी स्टार्ट कर लेता है। दोस्तों, वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाकर जब सोनिया और उसका भाई बाहर आते हैं तो दोनों को बैठ के बातचीत करी जाती है। दोनों से कहा जाता है, अगर आपका ऐसा ही रिश्ता है, अगर आपका ऐसा ही संबंध है, तो आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए थी। मेरे जीवन को क्यों खराब किया आपने? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किस लिए किया? तो दोस्तों, ससुराल पक्ष के सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर बस वो यही निर्णय लेते हैं कि सोनिया और उसके भाई की शादी करा दी जाए। तो दोस्तों, सोनिया और उसके भाई की शादी करा दी जाती है। सोनिया की मांग में उसका भाई सिंदूर भरता है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा कलंक है कि एक भाई अपनी बहन की मांग में सिंदूर भरता है। इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा क्राइम यहाँ पर हुआ। दोस्तों, क्राइम तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम वीडियो को वायरल नहीं करेंगे। दोस्तों, सोनिया और उसका भाई अपने गाँव पहुँच जाते हैं, लेकिन बाद में वीडियो को भी वायरल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह की हालत यहाँ पर देखने को मिली सोनिया और उसके भाई की। एक भाई बहन के रिश्ता, जो कि एक बहुत बड़ा रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का, उसको भी तार तार कर दिया। कलयुग कहते हैं कि घोर कलयुग है ये। इससे बड़ा कलयुग शायद देखने को ना मिले, इससे बड़ी दास्ता शायद देखने को ना मिले। एक भाई अपनी बहन के साथ इतनी इस तरह की कामना रखता है, इस तरह की वासना रखता है, इस तरह का कांड करता है कि उसको, उसके ससुराल वालों को उसकी शादी करानी पड़े। तो दोस्तों, इस के लिए आप क्या कहेंगे? क्या हो गया है इस देश को? क्या होगा आगे भी इस हमारे समाज को? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ऐसे लोगों को किस तरह का ट्रीट देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।